काम अगर कराना है तो आपको पैसा तो देना ही। अफसर आज इस राज्य में बेलगाम है, कहीं भी लूटने में लगे हो तो पैसा लेने में भी कोई डर नहीं, और चारों तरफ आदिवासी ही लूटा जाए तब तो फिर आप संकल्प लेने की जरूरत है कि ऐसी सरकार को उखाड़ दिया। आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासियों को इन्होंने खूब लूटा और नाम बदल बदल करके लूटा। भाई क्रिमिनल लॉ में कोई आदिवासी नॉन आदिवासी कोई अलग अलग नहीं होते हैं, अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, भाई बात क्यों रहे हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार, अफसर आज इस राज्य में बेलगाम है, कहीं भी लूटने में लगे हो तो पैसा लेने में भी कोई डर नहीं है, चाहे वो थाना में हो, चाहे अंचल ऑफिस चले जाइए या किसी भी विभागों में आप चले जाए, तो सारे लोग आकर के बताते हैं कि भाई अगर आप कुछ भी कहेंगे तो साफ कहता है, जहां जाकर के आप कंप्लेन करना है, शिकायत करना करिए, काम अगर कराना है तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। यदि भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है वो अगर कोई राज्य में है तो झारखंड प्रदेश में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प यात्रा है कल 17 तारीख से, और ये यात्रा भी वहां से प्रारंभ हो रही है जहां पर इस राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की गुलामी के विरोध में जिन लोगों ने संघर्ष किया था, वो सीधो कानो चांद भैरो फूलो जानो, जहां जन्म स्थान है भगनाटी, यानी चार भाई या दो बहने, उसके नेतृत्व में हजारों संतालों ने, आदिवासियों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरोध में लोहा लिया था। वो साहेबगंज जिला के बरहेट विधानसभा के भोगनाडी गांव, तो ये संकल्प यात्रा वहां से प्रारंभ होगी, उनके प्रतिमा में फूलमाला चढ़ाकर। यानी आज जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी सर्वस्व बलिदान दिया और उस देश में भी और उस प्रदेश में जो सत्ता में बैठे और जो आदिवासियों के नाम पर जो राजनीति करे और चारों तरफ आदिवासी ही लूटा जाए, तब तो फिर आप संकल्प लेने की जरूरत है कि ऐसी सरकार को उखाड़। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। क्योंकि भ्रष्टाचार भी इस राज्य में इस कारण से है, क्योंकि राज्य में जो मुख्यमंत्री है वो भी कोई आदिवासियों को नहीं छोड़ा, आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासियों को इन्होंने खूब लूटा और नाम बदल बदल करके लूटा। भाई ऐसे भी कोई फ्रॉडिज्म करता है तो जहां जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार से के हो, तब तो फिर उस राज्य में तो लुटेरे ही फले फूलेंगे, अपराधी ही फले फूलेंगे। इसलिए आप देखते होंगे इस प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, विकास का काम भी ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार चारों तरफ चढ़, क्या कहते हैं, सर चढ़ करके बोल रहा है, कहीं कोई लगाम नहीं है। आपने देखा होगा कहीं एक ईडी जब जांच कर रही है तो क्या कहते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए तंग किया जा रहा है। भाई क्रिमिनल लॉ में कोई आदिवासी नॉन आदिवासी कोई अलग अलग नहीं होते हैं, अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, भाई बात क्यों रहे हैं। अभी तो ईडी वालों ने नोटिस दिया 14 तारीख को, तो ये अपने को मसीहा कहते हैं, कैसे मसीहा आदिवासी कि भाई अगर आपने कोई पाप नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है तो लिखित में क्या जाकर के बता दीजिए, जो पूछता है वो सवाल का जवाब आप बता दीजिए कि हमने गलत नहीं किया है। एक तो यहां गड़बड़ी भी करेंगे, सीना जोड़ी भी करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा। जो राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार से गड़बड़ी करता हो,
और उसमें केस में कैसे ये करने के लिए बड़े बड़े वकील को लाते हैं अपनी चोरी से, क्या कहते हैं उसको, बचने के लिए। भाई आखिर इतना डर क्या है?